फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल यम मम्स किचन में। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल ही अलग सा मिठाई, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है, कम खर्च में ढेर सारा मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, हम एक बिस्किट का पैकेट ले लिए हैं, दो तरह का बिस्किट लिए हैं, आपको जो मन पसंद हो वो बिस्किट ले सकते हैं। तो चलिए हम ओरियो से बनाएंगे, तो ओरियो बिस्कुट का एक पैकेट ले लिए हैं, इसको फाड़ के हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो सिर्फ एक पैकेट से ही हम ढेर सारा मिठाई बनाएंगे, आप देखते रहिएगा। सिर्फ इतना ही हमको बिस्कुट लगेगा। आए, आप चाहे तो अगर ओरियो बिस्कुट नहीं खाना पसंद करते हैं, आपके घर में कोई बच्चे, तो आप इस तरह से बिस्कुट भी ले सकते हैं। इसका थोड़ा सा कलर चेंज है, लेकिन ये भी क्रीमी वाला है, तो आप दोनों आपके पास ऑप्शन है, ये इस कलर के बना सकते हैं या उस कलर का बना सकते हैं। तो हम ओरियो बिस्कुट से ही बनाएंगे, तो इसको हम साइड कर देंगे। अब चलिए, इसका हम अंदर का जो क्रीमी है वो हटा देंगे, उसको एक बाउल में हम डालते जाएंगे। सारे मिनटों में हम निकाल लिए, चाहे तो ऐसे भी आप पीस सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कुछ अलग सा मिठाई में फ्लेवर लाने के लिए, इसको दो चम्मच घी में हम इसको दो मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो बिना गैस जलाए भी आप बना सकते हैं। इसको ऐसे ही पीस के रेडी कर सकते हैं, लेकिन ये मिठाई में थोड़ा बढ़िया सा खुशबू और फ्लेवर बढ़िया आएगा, इसलिए थोड़ा सा हम दो मिनट के लिए भून लिए हैं। आप घी अपना हिसाब से, ज़्यादा भी घी ना डालें, बिस्किट तो ऐसे ही अंदर में फ्लेवर अच्छा रहता है, लेकिन हम थोड़ा सा घी का टेस्ट लाने के लिए दो चम्मच हम डाल दिए हैं। दो चम्मच हम इसको भून लेंगे। और मार्केट में कितना दिन का बिस्किट भी रहता है, तो इस समय अगर दो मिनट भून लेने से क्या होगा, फ्रेश हो जाएगा आपका। तो मिठाई जब भी बनाइए और खुशबू भी बढ़िया आएगा, तो एक काम अगर करने से आप कर सकते हैं दो मिनट के लिए। अब हम दो मिनट में निकाल भी लिए, इसको हम ठंडा करके पीस लेंगे। और इसी पैन में हम क्या करेंगे, तिल, थोड़ा सा हम तिल को भूनेंगे। तिल का भी हम लास्ट में लगाएंगे उसके ऊपर से, तो तिल को उसी घी में हम भून लेंगे दो मिनट के लिए। इससे बढ़िया टेस्ट भी तिल का बढ़िया आ जाएगा, खुशबू भी बढ़िया आएगा। इसको ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। इसको बिल्कुल हल्का भून के इसको प्लेट में निकाल देंगे, इसको हम साइड कर देते हैं। अब चलिए, इसको हम पीस लेंगे। तो इसको फाइन पाउडर हम बना लिए, अब एक बड़ा बाउल में हम निकाल देंगे। अब इसमें हम घर का मलाई था, तो हम दो चम्मच मलाई डाल देंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं हो, तो एक चम्मच दूध का ऊपर से दूध डाल देंगे। अब इसको हम मिलाएंगे। इसको अच्छा सा हम डो बना के तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से डो बना के हम रख लिए, इस तरह से बिल्कुल बढ़िया सा डो बन गया। अब इसको हम साइड करेंगे, एक प्लेट में हम अलग साइड करके रख देंगे। अब हमें जो बिस्किट से हम क्रीम निकाले थे, वो हम उसी बाउल में डालेंगे। एक हम कटोरी नारियल पाउडर डालेंगे। आपके पास नहीं हो तो खुद घर में भी नारियल पाउडर, नारियल से भी बना सकते हैं,
या कोई भी मार्केट में कोई भी किराने के दुकान में आराम से मिल जाएगा। ये मिल्क पाउडर हम छोटा कटोरी से मिल्क पाउडर डाले हैं, 4 चम्मच जितना मिल्क पाउडर है। नारियल पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा है, मिल्क पाउडर थोड़ा सा कम है। पीसी हुई चीनी, अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो 2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन हम बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 2 चम्मच हम चीनी डाल देंगे क्योंकि उन्हें बहुत मीठा पसंद है इसलिए। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब जो बचा था 1 चम्मच जितना मेरा मलाई, उसको इसी में हम डाल देंगे। कलर चेंज अगर करना हो तो आप, हम इसमें 1 चम्मच में हम कलर थोड़ा सा फूड कलर डाल दिए हैं, वो हम इसी में मिक्स किए हैं। अगर व्हाइट कलर बनाना है तो ऐसे ही व्हाइट कलर रख सकते हैं। थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे तो इसके लिए हम थोड़ा सा कलर डाल देंगे। अब इसको हम मैश करेंगे, उसको मैश करके अच्छा सा डो बना लेंगे। अगर आपको गीला हो जाए तो थोड़ा सा और मिल्क पाउडर डाल लीजिएगा या नारियल पाउडर डाल सकते हैं। तो हमको अच्छा से मिक्स करके एक बढ़िया सा डो बना के हम तैयार कर लेंगे। फ्लेवर के लिए अगर आपको नारियल पाउडर में फ्लेवर है ही, अगर इसमें डालना है तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब चलिए एक हम प्लास्टिक का थैली ले लेंगे इस तरह से, या फॉइल पेपर भी ले सकते हैं, या इस तरह का पैकेट हो वो भी ले सकते हैं। आपके पास जो भी आराम से घर में मिल जाए वो भी ले सकते हैं। इस हम पैकेट पे डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम चिकना हाथों से करेंगे, इसको लंबा सेफ देंगे। अगर थोड़ा सा क्रैक है तो उसे हाथों से दबा दीजिए। इसको इस तरह से हम पैकेट से हम लपेटेंगे, बिल्कुल टाइट हाथों से लपेटेंगे। जो भी अगर थोड़ा सा फटा हुआ हो तो उससे चिकना हम हाथों से दबा दबा के चिकना करते जाएंगे। हाथों से हम सेफ देके अच्छे से हम दबा दबा के इसको हम मोड़ लेंगे। अब इसको हम साइड कर दिए। अब ये जो हम बिस्किट का जो बनाए थे उसको भी हम दूसरा पैकेट पे डाल के उसको इस तरह से हम पैकेट से ही मोड़ मोड़ के उसको हम थोड़ा थोड़ा सा दबा दबा के हम उसको मैश करेंगे। देखिए मैश करने से कलर कितना बढ़िया लाइट आ रहा है इसमें, बिल्कुल चमक बढ़िया सा आ रहा है। तो इस तरह से ज़रूर करके इसको अच्छे से हम चिकना कर देंगे, इससे बढ़िया कलर आ जाएगा ऊपर से। देखिए कितना अच्छा साइन है। अब इसको भी हम गोल चिकना कर देंगे, हल्के हाथों से बेलन से हम बेल देंगे, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल सॉफ्ट होता है इसलिए थोड़ा सा आपको इस समय सावधानी से बेलिएगा, हाथों के सहारे करते करते तब बेल के कीजिएगा। अब वो जो हम पहले नारियल पाउडर का जो हम बनाए थे इस तरह से हम रोल उठाएंगे और इसको बीच सेंटर में हम डालेंगे, इस तरह से डाल के। और अब हम प्लास्टिक को ही मोड़ेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से प्लास्टिक को ही उसमें मोड़ के कवर अच्छे से कर देंगे, बिल्कुल एक तरफ से हम पैकेट को हटाते जाएंगे और उसको मोड़ते जाएंगे। अच्छे से हम मोड़ के लपेट के हम उसी में रख देंगे। अब इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। अब देखिए सेट हो गया। अब इसका हम पैकेट निकाल देते हैं।
देखिए सेट हो गया, बिल्कुल टाइट हो गया ऊपर से, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट टाइट हो गया। तब तिल जो भून के रखे थे वो हम इसके ऊपर से लगाएंगे, या अगर आपके पास तिल नहीं हो तो नारियल पाउडर भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो आराम से लपेट सकते हैं उसके ऊपर से। तो दिखने में देखिए बिल्कुल अलग ही लुक लग रहा है। तो आप चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, या हमको थोड़ा सा अलग शेप देने के लिए, अलग लुक देने के लिए हम थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। इससे पता भी नहीं चलेगा जो क्या चीज़ से हम बनाएंगे। तो इसको आप कटिंग करके हम देखिए बिल्कुल अच्छे से पतले पतले में जो हिसाब से आपको कटना है, मोटे पतले, लेकिन जैसे मार्केट में मिलती है मिठाई उसी शेप में आप कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से हम सारे कटिंग करके, कटिंग में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल आराम से कट जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट मिठाई तैयार होगा बनके। तो देखिए दिखने में भी लग नहीं रहा है जो मार्केट का है ना घर का बनाया है, लग रहा है घर का बना हुआ। तो इस तरह से हम प्लेटिंग में, हम सारे प्लेट में डालते जाएंगे, ऊपर से भी कोई नहीं बता पाएगा ये क्या चीज़ है, बिल्कुल मार्केट जैसा लुक है। तो आप इसे घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो रक्षाबंधन में आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, घर के सामानों से ही बिल्कुल बढ़िया। देखिए बिल्कुल बढ़िया मिठाई बन के तैयार हो जाएगा घर में ही। तो दिखने में कैसा लग रहा है आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए दिखने में भी बिल्कुल बढ़िया मिठाई लग रहा है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।